प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट स्वच्छ भारत मिशन का उत्तर प्रदेश के अमेठी में अधिकारी और जनप्रतिनिधि जमकर मजाक उड़ा रहे हैं। लगभग 1,50,00,00,000 रुपए स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालयों के निर्माण में खर्च कर दिए गए हैं, जिन्हें कागजों में दिखाया गया है, जिसके बाद जिले को खुले में शौच से मुक्त यानी ODF घोषित कर दिया गया है। जिले के मुसाफिरखाना ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा टिकरा बैजनाथ में शौचालय निर्माण के घोटाले का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान यहां घटिया शौचालयों का निर्माण करवा रहे हैं। इतना ही नहीं, आरोप है कि शौचालय निर्माण में घटिया सीमेंट और बालू का इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार ने लाभार्थियों के खाते में प्रति लाभार्थी 12,000 रुपये देने का आदेश दिया था, जो शौचालयों की इस हकीकत को देखकर झूठ साबित होता है। वहीं स्थानीय लोगों की परेशानियां जस की तस हैं और जिन शौचालयों का निर्माण हुआ है वो सरकार की योजना के नाम पर केवल खाना पूर्ति करने के लिए हैं। शौचालय बने हैं, नहीं पूरा नहीं हुआ, ईटा हमारा सब हमार लागा है, सिर्फ वो है बारू रंग लगाए दे हैं। प्रधान ने कहते हैं अब आज दिन तक कि बनवाएंगे, बहुत दौड़ कीनगा तो गड्ढा अब चार छह रोज भरवाना, वही दिन से दर बरसा था वह गड्ढा भर गया, पैसा नहीं मिला, जाते खेते ना है, नहीं इस्तेमाल करते हैं, जानवर चढ़ गया, ढक्कन टूट गया, ढक्कन उसी में घुस गया तो हमने निकाल कर बाहर कर दिया, बोले जब गड्ढा नहीं सही रहेगा तो यूज करेंगे, लाइटिंग आएंगे तो बदबू मारेगा, सब अगल बगल रहते हैं, बुरा मानते हैं ना कि जिस जगह पर है गंध आएगी, इसलिए हमने ढक्कन निकाल के ईटा निकाल दिया, नहीं दिया इस्तेमाल। तो अब सवाल ये उठता है कि जो पैसा शौचालयों के लिए इस्तेमाल होना था वो किसकी जेब में चला गया, शौचालयों का सुधार कब किया जाएगा जो अब तक लोगों की परेशानियों का सबब बने हुए हैं। अमेठी से अशोक श्रीवास्तव की रिपोर्ट।